जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। जैसे खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, कुछ वैसे ही अंदाज में बांग्लादेश के मंदिर पर हुआ हमला। पुजारी ने जो बताया उसे सुनकर दहल गई पूरी दुनिया। लेकिन मंदिर टूटने के बाद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने कही है, जिसे आप सभी को जरूर सुन लेना चाहिए। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। हाल ही में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास स्थित मेहरपुर इलाके में एक और घटना हुई, जो जमात इस्लामी संगठन के गढ़ के रूप में जाना जाता है। इस संगठन का नाम याद रखिएगा। मेहरपुर इलाके में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और भीड़ ने भगवत गीता को जला दिया। मंदिर में रखा हारमोनियम भी तोड़ दिया गया। देखिए, इस तरह का काम बांग्लादेश के आम नागरिक कभी नहीं कर सकते। बांग्लादेश भी कभी हमारा ही देश हुआ करता था। वहां के ज्यादातर लोग सुख चैन शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया है, जिसके कारण पूरे बांग्लादेश की छवि खराब हो रही है। जानकारी के मुताबिक भीड़ ने मंदिर के गर्भगृह में लूटपाट और आगजनी भी की। मंदिर के इंचार्ज प्रभु जी ने बताया कि यह हमला अल्पसंख्यकों पर किया गया है। 5 तारीख की शाम करीब 5:30 बजे भीड़ ने मंदिर पर धावा बोला। ये लोग पेट्रोल बम और विस्फोटक लेकर आए थे। उस वक्त मंदिर में 16 लोग थे। भीड़ ने मंदिर में रखे गहने, प्राचीन ग्रंथ और अन्य कीमती चीजों को जला दिया। मंदिर बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा किया गया था, करीब 10 लाख टका यानी 6.5 लाख रुपए भी लूट लिए गए। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर की संपत्ति में रखी मोटरसाइकिल भी जला दी गई। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि यह काम बांग्लादेश के आम नागरिक या आम पुलिस नहीं कर रही है। ज्यादातर लोग अल्पसंख्यकों की मदद कर रहे हैं, लेकिन खबर आ रही है कि जो लोग अल्पसंख्यकों की मदद कर रहे हैं उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश के भीतर कुछ आतंकी घुस गए हैं, जो जानबूझकर हिंदुओं को मार रहे हैं। मंदिर के इंचार्ज प्रभु जी ने बताया कि हमारे पास 200 साल पुराने ग्रंथ थे, जो इस हमले में जल गए। जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए जो सामान था वह भी लूट लिया गया। मंदिर में रखा हर सामान और धार्मिक किताबें जलकर राख हो गई। फॉलोवर्स अब बची हुई किताबों को इकट्ठा कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर नालंदा विश्वविद्यालय याद आता है, जिसे खिलजी ने जलाकर राख कर दिया था। आज जानेंगे कि आखिर वह कौन सा नया खिलजी है जिसने बांग्लादेश में उत्पात मचाकर रखा हुआ है। अगर बांग्लादेश के ज्यादातर लोग शांत हैं, तो फिर हिंदुओं की तबाही के लिए कौन जिम्मेदार है? जिस इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया है वह किराए के मकान में चल रहा था और अलग से मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। माना जा रहा है कि जमात इस्लामी संगठन ने इस मंदिर पर हमले को अंजाम दिया था। शेख हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान इस संगठन पर बैन ठोक दिए थे। वहीं बांग्लादेश के कुछ मुसलमानों को भी डर है कि उनका देश कट्टरपंथियों के दबाव में एक इस्लामिक देश में न बदल जाए। वे बिल्कुल नहीं चाहते कि बांग्लादेश एक कट्टर इस्लामिक देश बन जाए, जहाँ कई चीजों पर रातों रात पाबंदी लगा दी जाए। ढाका के रहने वाले इस्लाम मोहम्मद ने कहा कि बांग्लादेश की पहचान बांग्ला लोगों की है, जहां हिंदू और मुसलमान साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि यहां इस्लामिक व्यवस्था हो जाए, शरिया कानून लागू हो जाए और महिलाओं का जीवन नरक बन जाए, पर वे ऐसा नहीं होने देंगे। ढाका में कारोबार करने वाले नियाज ने कहा कि कुछ कट्टरपंथियों की वजह से बांग्लादेश की छवि खराब हुई है, जिन्होंने हिंदुओं पर हमले किए। वे कहते हैं कि बहुत सारे हिंदू हमारे साथ रहते हैं और हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कानून व्यवस्था बहाल हो रही है। वहीं पुलिस और सेना अब शहर की हिफाजत कर रही है, जबकि कई पुलिसकर्मी अभी भी या तो अंडरग्राउंड है या छुपे हुए हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। बांग्लादेश में हाल ही में हिंदुओं पर हुए हमलों और मंदिरों में तोड़फोड़ के लिए सरकार ने माफी मांगी है। गृह मंत्रालय के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद शखावत हुसैन ने कहा कि इस हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर चिंता जताई थी। शकावत हुसैन ने आश्वासन दिया है कि जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे ताकि सभी त्योहार शांति से मनाए जा सके। सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उनके इस बयान से साफ लगता है कि चाहे हसीना सरकार हो या अंतरिम सरकार, सब के सब वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ उग्रवादियों के कारण वहां के हिंदू परेशान हैं और बांग्लादेश भी बदनाम है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान सामने आया है उससे यह भी साफ हो जाता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत को नाराज करना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर भारत नाराज हो गया तो फिर बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं पर कौन हमले कर रहा है। बांग्लादेश में इस समय काफी अनरेस्ट चल रहा है और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों पर हमला करवा रहा है। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट लीड आंदोलन चल रहा है उसकी आड़ में यह आतंकी संगठन अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। उनका इजी टारगेट हिंदू कम्युनिटी है। अब यह आतंकी संगठन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ भी अपनी नजरें घुमा रहे हैं, जिससे वहां भी खतरे की घंटी बज चुकी है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में टेरर अटैक्स करने के लिए बांग्लादेश के आतंकी ग्रुप अंसारुल्लाह बांग्ला टी ABT के साथ हाथ मिलाया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक्टिव है। ISI, ABT और जमात इस्लामी जैसे संगठनों को फुल सपोर्ट दे रही है। लश्कर और ABT ने 2022 में ही पार्टनरशिप की थी और बंगाल में अपना बेस कैंप भी सेट किया था, जिससे यह भारत के नॉर्थ ईस्ट में हिंदू बहुल इलाकों में अटैक कर सके। बताया जाता है कि त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं के बाद से ही यह दोनों ग्रुप्स मिलकर काम करने लगे थे। 2022 में खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि ABT के शो केडर्स त्रिपुरा में घुसपैठ की प्लानिंग कर रहे थे। ABT बांग्लादेश का एक इस्लामिक आतंकी संगठन है जो पहले NGO के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन 2013 में यह फिर से एक्टिव हो गया। 2015 में इस पर बैन लगा, लेकिन इसने नाम बदलकर अंसार अल इस्लाम रख लिया। अब यह अल कायदा की बांग्लादेशी शाखा के रूप में भी जाना जाता है। 2013 से अब तक इसके 425 मेंबर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर भारत के अंदर PM मोदी के बाद अब विपक्षी दलों ने भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शशि थरूर के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज व अन्य अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी जाति व वर्ग के हो, उन पर पिछले कुछ दिनों से हो रही हिंसा अति दुखद एवं चिंतनीय है। मायावती ने मोदी सरकार से अपील की है कि इस मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले व उचित कदम उठाए, वरना इनका ज्यादा नुकसान ना हो जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।